डियर स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने बात की कि दुनिया में लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉवर्टी, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और दीगर इस तरह के मसाइल की वजह से परेशान हैं उनका हल चाहते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ देखते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखते हैं लेकिन उस लैक ऑफ प्रोग्रेस पे फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं जो गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर के बिहार पर वो देखते हैं कमेंट्स जो हैं बज़ाहर डेमोक्रेसीज का नंबर ज़्यादा हुआ है लोगों को अकाउंटेबल हैं लेकिन इट सीम्स के पॉलिटिकल विल की कमी है कि लोगों के मसाइल हल किए जाएं ज़्यादातर पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है एक पार्टी आती है दूसरी पार्टी के प्रोग्राम्स को ख़त्म कर देती है बंद कर देती है डिसन करती है अपने आइडियोलॉजी अपने उसके साथ आ, निशान के साथ अपने मैनिफेस्टो के साथ अपने नए प्रोग्राम शुरू करना चाहती है और इस तरह रिसोर्स का जिया होता है और लोगों तक फायदे पहुँच नहीं पाते लोगों के मसाइल जो हैं वो वहीं रहते हैं इसी तरह प्राइवेट सेक्टर जो है कहने को न्यो क्लासिकल इकोनमिस्ट कहते हैं कि मार्केट्स अ परफेक्ट मेकनिज्म जिससे वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होती है कि जहाँ डिमांड हो वहाँ सप्लाई पहुँच जाती है हकीकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हो रहा ऑस्ट्रेलिया में इतना अनाज पैदा होता है कि उन्हें समंदर में फेंकना पड़ता है पाकिस्तान में लोग आटे के ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं बल्कि भूखे सो रहे हैं तो मार्केट अगर परफेक्ट होती अगर बिजनेस जो हैं वो परफेक्ट वर्ल्ड में हो रहे होते तो जहाँ ज़रूरत थी वहाँ अनाज पहुँच जाता ऐसा नहीं होता तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ गवर्नमेंट्स और मार्केट्स नाकाम हो जाती हैं या जो कुछ वो करती हैं उसके वो रिजल्ट्स नहीं आते जिससे लोगों के मसाइल हल हों तो फिर हमने कहा कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स सामने आते हैं लेकिन ये मसाइल सदियों से चले आ रहे हैं और सदियों से बिजनेस और गवर्नमेंट्स उनको हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वाई सोशल एंटरप्रेन्योर्स नाओ बीसवीं सदी के आखिरी बीस सालों में और इक्कीसवीं सदी के पहले बीस सालों में इससे पहले अगर आप किताबें उठा के देखें हिस्ट्री की इकनॉमिक्स की सोशोलॉजी की शायद ही कभी आपको सोशल एंटरप्रेन्योर्स का जिक्र मिले सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये बिल्कुल नया फिनना है तो इस वक्त ख़ास तौर पर इस दौर में ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एकदम क्यों इमर्ज हुई और उसकी किस तरह से आ, ये टाइम जो है वो ख़ास तौर पे अहम है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ तरह से उन वजूहत को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है एनालाइज करने की कोशिश की है आपके इस कोर्स के लिए मैंने एक बहुत ही क्विक और आप उसको कह सकते हैं आसान लफ्सों में इन रीज़न्स को एक जगह पर जमा किया है और मैं पाँच पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगी कि इस वक्त में सोशल एंटरप्रनशिप क्यों अहम है और कैसे वो एक बाकायदा पॉपुलर हो गई नंबर वन दुनिया में पूरी दुनिया में इंक्रीज ऑफ वेल्थ स्पेशली इंक्रीज ऑफ मिडल क्लास लोगों ने जो इकनॉमिक प्रोग्रेस की उसकी वजह से दुनिया के मुख्तु माशरों में मिडल क्लास का साइज बढ़ा है जिसका मतलब है लोगों के पास दौलत है जिसको वो अपनी मर्जी से अपनी पसंदीदा सोशल कोजेज़ पर खर्च करने की पोजीशन में है नंबर टू दुनिया भर में डेमोक्रेटिक और सेमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं उनका नंबर इंक्रीज हुआ है डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्रीडम्स फॉर सिटीजन्स लोगों को आज़ादी मयसर होती है कि वो अपने लिए जो बेहतर समझें वो करें और अगर लोग समझते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के साथ बिजनेसेस के साथ मिलकर सोशल प्रॉब्लम्स को हल करने में रोल करना है तो वो उसमें तेजी से शामिल हो रहे हैं इंक्रीजिंगली नंबर थ्री एजुकेशन का जो लेवल इस वक्त है वो तारीख़ में दुनिया में कभी भी नहीं रहा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के मौक़े मिल रहे हैं और उसमें सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन जो है वो प्राइमरी लेवल की हम बात नहीं कर रहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन बढ़ रही है जिससे लोगों में अवेयरनेस आ रही है नंबर फोर टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो बहुत बढ़ गया है और उस इस्तेमाल की वजह से लोगों का अवेयरनेस लेवल इंक्रीज़ हुआ है इंटरनेट पे आपके सोशल मीडिया के जो मुख्त यूज़ेज हैं दुनिया के एक सिरे पे कुछ होता है और सेकंड से भी कम वक्त में वो खबर आप तक पहुंच जाती है ख़ाह हाँ वो सड़क पे किसी का मर्डर हो जाए किसी का अब्यूज़ हो या कोई और समाजी मसला हो लोगों को बहुत तेज़ी से उसके बारे में अवेयरनेस हो रही है और लोग उसके बारे में अपना रिएक्शन दे सकते हैं फाइनल एंड द लास्ट पॉइंट इज़ वो बैरियर्स जो रिलीज़स कल्चरल जो मुख्तलिफ ग्रुप्स जैसे औरतों की पार्टिसिपेशन मुख्तलिफ कामों में जो रोकते थे वो अब कम हो गए हैं तालीम की वजह से टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन की वजह से मिडिल क्लास के इंक्रीज की वजह से मतलब पहले चारों पॉइंट्स का जो नेक्ट इफेक्ट हुआ है वो ये है कि हर कोई अब अपने से रिलेटेड मसाइल के हल में पार्टिसपेट कर सकता है टू सम अप हम कह सकते हैं कि पिछले 40 सालों में एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्रिएट हुआ है थ्रू बेटर वेल्थ बेटर एजुकेशन बेटर अवेयरनेस बेटर टेक्नोलॉजिकल यूज और बेटर पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट वेबल ग्रुप्स जिनकी वजह से लोग अपने मसाइल के हल में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिन्हें हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि आज जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पॉपुलर है इसका ओरिजिन कब कहाँ और कैसे हुआ और हम तक ये कैसे पहुँचा